उस पंजाबी देख रहे हो, मैं हाँ सिमरनजोत सिंह मक्कड़। फजूल बहुत कुछ चल रहा है सोशल मीडिया से, थोड़ा ध्यान करोना के वल भी थोड़ा ले जाना बहुत लाजमी है। इस करके अज का यह साडा खास बुलेटिन करोना के उत्ते आधारित है। करोना नू लैके बहुत सारे अंकड़े ऐसे ने जो थोनू हैरान करनगे। दो हिस्सों दो धड़ियां दे विच करोना नू लैके हमेशा तो विचार बनते आए ने। एक पासे वो लोग ने जो हमेशा कहते रहे हैं कि ये कुछ नहीं है और ये सिर्फ सरकारां ते प्राइवेट सिस्टम जदों तो इहदे च आया है, जदों तो प्राइवेट हस्पताल इलाज करना शुरू होया है, तो उदों तो यह कहा जा रहा है कि यह डरावा पाया जा रहा है, बहुत सारा स्कैम हो सकता है। दूजे पासे मौतां भी हो रही हैं, बहुत मौतां हो रही हैं और बड़े लोग जाना गवा रहे हैं। जवान मौतां भी बहुत सारियां हुण होणियां शुरू हो गई हैं। पहला सीगा कि टर्म इलनेस वाले लोग सी उन्हां दीआं मौतां हो रही सी, तां अज दे अंकड़े बहुत हैरान करन वाले है। अज दे अंकड़े पंजाब दे थोनू इस करके हैरान करनगे कि 1165 मामले पंजाब दे विच 16 अगस्त नूं अज आए है। इन्ने मामले अज तक पहला कदे भी पंजाब दे विच कट्ठे नहीं आए एक दिन दे विच। 1165 मामले इस तो पहला तुसी नहीं सुने। हज़ार दा अंकड़ा 1100 तक दा अंकड़ा नेड़े तेड़े छूंदा रहा, पर 1165 मामले सामने आना चिंता दा विषय है। लुधियाणा इस दे विच मोहरी चल रहा है। लुधियाणा नूं बाकियां दे नाल कंपेयर करांगे, अज इस नूं समझण दी कोशिश करांगे कि आखिरकार की हो रहा है। एक तस्वीर चीन दी है, चीन 84-85 हज़ार ते स्टिल बैठा है। शुरुआत चीन तो हुंदी है, चीन च केस 84-85 हज़ार दे नेड़े आउंदे है, फिर चीन उत्थे जे खड़ा है। इटली दा ओह दिन याद करो, शुरुआत जदों साडे इधर इंडिया दे विच होई सी मार्च दे महीने, उदों इटली बड़ा पीक ते सीगा। इटली दे 2,70-80 हज़ार दे नेड़े केस होए, वह उत्थे ही रह गए। न्यूजीलैंड वर्गा मुल्क करोना मुक्त हुंदा है, फिर जे केस आउंदे भी है तो कुछ थोड़े बहुत केसिस आउंदे है। होर बहुत सारे मुल्क है जिथे बिल्कुल भी करोना ने पैर नहीं पसारे। पाकिस्तान साडा गवांडी मुल्क है, उत्थे भी इन्ने केसिस नहीं आए। तो फिर यह हैरानी की गल है कि साडे इत्थे की हो रहा है, लोगों की अणगहली है या वाकई ये पिछे कोई दाल च काला नज़र आता है। पर अंकड़िया दे नाल गल करांगे, असी अंकड़े थोनू दसने बहुत जरूरी ने। लुधियाणा दे विच 16 अगस्त नूं 315 नवे मामले आए है। ये पंजाब दे किसी भी शहर के मुकाबले सब तो ज़्यादा मामले ने। 7 नवे केस जिहड़े ने इंटरस्टेट ट्रैवलर्स ने। पहला ये अंकड़े बहुत जिहड़े प्रभावशाली हुंदे सीगे, बहुत अट्रैक्ट करते सी सानू। असी जदों सुणदे सी कि केस आ गया, किन्ने बाहरों आए, हौली हौली जिवें दिन लंघे आ लोग आपो अपनी जिंदगी दे विच व्यस्त हो गया है। सोशल मीडिया ते बहुत सारे इहो जिहे मुद्दे आ गए जिन्हां नाल तुहाडा सीधा कोई संबंध सरोकार नहीं हुंदा, पर तुसीं उहनां ते ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। हौली हौली इन्हां मुद्दिआं वल ध्यान देना छड्ड दित्ता, इंटरस्ट नहीं लैंदे। पर अज ध्यान नाल सुणो जो असीं तुहानूं दस रहे हां, इह बहुत जरूरी है। जलंधर दे विच तकरीबन 187 केस आए हैं। लुधियाणा पहले ते, जलंधर दूजे ते, अमृतसर च 37 ने, पटियाला दे विच तकरीबन 90 मामले नवे ने, संगरूर च 29 मामले नवे हैं, SAS नगर दे विच 91 मामले नवे हैं, होशियारपुर च 21, गुरदासपुर 74, फिरोजपुर च 96 मामले नवे आए हैं, पठानकोट च 35, तरन तारण 22, बठिंडा 16, फतेहगढ़ साहब 12, मोगा 64, फरीदकोट 5, फाजिलका 15, कपूरथला 13, रोपड़ 23, मुक्तसर 4, बरनाला 5 ते मानसा 11। सो तुहानूं इह दस दईए कि तकरीबन 35 मामले ऐसे है जो पंजाब तो बाहरों आए लोगों तो इनफेक्शन आई है। पर जे इस तरह है तो तकरीबन 1165 मामले है, तो मतलब 1130 मामले पंजाब च रह रहे लोगों तो ही एक दूजे तो स्प्रैड होए है। ये कहा जा रहा है कि बाहरों लोग आ रहे हैं, शंभू बॉर्डर ते रात नूं बहुत सारे प्रवासी जो गए सी वह भी हुण मुड़ के परतण लगे है। लुधियाणा च काम शुरू हो गया, तो शायद केस वध गए हुण, जां फिर कोई दिल्ली तो या पंजाब तो बाहरों आ रहा है। पर सिर्फ 35 मामले वो ने जिहड़े पंजाब तो बाहरों लोग आए है, तो 1130 मामले वो ने जिहड़े पंजाब दे विच ही ने। डिप्टी स्पीकर अजैब सिंह भट्टी भी पॉजिटिव ने, उन्हां दे परिवार नूं आइसोलेट किया गया। गुरप्रीत सिंह कांगड़ मंत्री ने, वह भी पॉजिटिव ने, परिवार नूं आइसोलेट किया गया। तो इस तरह जिहड़ियां खबरां आ रही हैं, मुक्तसर दे DSP पॉजिटिव पाए गए ने, उन्हां दे परिवार नूं भी कहा जा रहा जो संपर्क च आए वो पॉजिटिव किए जा रहे हैं। पर हैरानी की है कि ऑक्सीजन सपोर्ट ते 5 बंदे नवे अज भर्ती किए गए हैं। 11 लोगों नूं
एडमिट किया गया आईसीयू दे विच। गुरदासपुर तो एक ने, अमृतसर तो दो ने, हुशियारपुर तो तीन ने, जलंधर तो पंज ने। किसी नूं वेंटीलेटर ते नहीं पाया गया। याद करो जदों मार्च के महीने दे विच लॉकडाउन होया सी, सब तो वड्डी चर्चा वेंटीलेटरां नूं लैके हो रही सी। पूरी दुनिया च करोना का प्रकोप दस्या जा रहा सी जदों मामले घट सी। अज मामले इन्ने ज़्यादा ने कि गिणती भी करनी औखी है। अंकड़े जिहड़े है वह हज़ारां दे विच आ रहे है। उदों वेंटीलेटर की कोई चर्चा नहीं है, किसी नूं वेंटीलेटर ते नहीं रख्या जा रहा। उदों सियासत घूमी सी वेंटीलेटर दे दुआले कि इन्ने वेंटीलेटर है, इन्ने होने चाहिए सी, बैड इन्ने ने। अज इस बारे रिपोर्टिंग करनी भी साढ़े चो बहुतिया ने छड्ड दित्ती है। मीडिया हुण व्यू वाले होर खबरां दे पासे तुरदा नज़र आ रहा है। रिपोर्टिंग नहीं हुंदी कि हस्पतालां दे विच दरअसल की हाल है। अंबरसर की एक वड्डी लैब के उत्ते सवाल उठे सी कि उन्होंने पॉजिटिव करन दा नैगेटिव करन दा धंधा शुरू किया सी। ओ मामला हुण कित्थे गया, जांच अदालतां तक गई सीगी। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਓਵਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਮੈਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਰੁਕੂਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ 568 ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਗਏ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੂਜੇ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਤੀਜੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਟੌਪ 10 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਟੌਪ 3 ਚ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਛਣ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆ ਜਾਈਂ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਵੇ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਵੇ, ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਵੇ, ਦੱਸੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੌਤਾਂ 41 ਹੋਈਆਂ। ਚਰਚਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅੰਕੜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਪਲਬਧੀ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਘੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘੱਟ, 41 ਮੌਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ 41 ਮੌਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 41 ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁੰਦਾ 41।
घट नहीं है। मौतां कित्थे खुत्थे होईयां इह दस दिंदे आ। अमृतसर च 3, बरनाले च 1, फतेहगढ़ साहब च 1, फाजिलका च 1, फिरोजपुर च 2, गुरदासपुर होशियारपुर च 1-1, कपूरथला दे विच भी 1, मोगा SAS नगर च भी 1, पटियाला 7, संगरूर 3 ते लुधियाणा दे विच 14 मौतां होईयां। लुधियाणा सेंटर बनिया है। लुधियाणे तो ही असी रिपोर्ट कर रहे हैं, लुधियाणे के स्टूडियो तो ही थोड़े नाल गल कर रहे हैं। दूर दुराडे बैठे रिश्तेदारों को कई बार बहुत दिक्कत हो जाती है, वो ये सोच रहे हैं कि शायद इत्थे की होया। आम जनजीवन आम जिंदगी तुसी जो वरतते हो तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, कोई फर्क नहीं लग रहा, पर जो अंकड़े आते हैं तो वह हैरान करते हैं। तो अंकड़ों वाचना देखना बड़ा जरूरी है। एक बार फिर तो अज के अंकड़े थोनू दस दें, उस तो पहला पूरे पंजाब की हुण तक की गल कर लिए। 31,206 व्यक्ति हुण तक पॉजिटिव होए है, जिदे विच्चों 19,431 नूं हस्पताल दे विच्चों छुट्टी मिली है। 10,963 एक्टिव मामले अजे भी पंजाब दे विच हैगे है। 217 व्यक्ति ऑक्सीजन सपोर्ट दे उत्ते ने, 35 व्यक्ति क्रिटिकल ने जिन्हां नूं वेंटीलेटर ते रख्या गया है, और 812 मौतां हुण तक पंजाब दे विच हो चुकी हैं। सो इस नूं विचारो, सीधे पासे राइट सवाल करने आपां सिखीए तां ही इस गल दा वी जवाब लवांगे कि पूरी दुनिया च जिथे महामारी दी शुरुआत चीन तो हुंदी ओह खड़ गया, इटली वर्गे मुल्क ने काबू पा लिया, तां फिर ऐसा की है पाकिस्तान वर्गे मुल्क च वी केसिस नहीं वधे। असी कह दिंदे आ कि अक्सर उत्थे वी लोग इसे तरह दा ही वर्तारा आम बंदे रखदे, जिहो जिहा साडे रखदे है। असी साडे ते दोष लाए गए कि असी ध्यान घट दिंदे आ। कई वारी CM वी कह दिंदे आ मास्क नहीं पाऊंगे तां चलान कट देंगे, मास्क पाओ, पर लोग मन रहे है गल। ये नहीं है कि लोग गल नहीं मन रहे, केसिस जिहड़े वधदे जा रहे वो वक्री गल है, पर इस ते सवाल करना लाजमी है कि आखिरकार ये कदों रुकूगा। कि सरकारां दा कोई रोल नहीं, कि हुण सरकार ये कह चुकी है कि साडे हथ खड़े है, सिर्फ लोगों के उत्ते ये रह गया हुण कि लोग किन्ना कम्यूनिटी स्प्रैड इस नूं करदे है, कि कोई जिम्मेदारी ये नहीं ली जाऊगी। घट्टो घट इस गल का कंपैरिजन ही सरकार दस दे, चाहे प्रधानमंत्री साहब चाहे मुख्यमंत्री इस गल ते सामने आके कहन कि चीन ने काबू किवें पाया है, इटली ने काबू किवें पाया है, तो फिर असी क्यों काबू नहीं पा रहे। साडे मामले इन्ने वधदे जा रहे है, इन्नियां मौतां जिहड़ियां हुंदियां जा रही, 1165 मामले पंजाब च अज आए ने। इस पेशकश च इन्ना इजाजत दिओ, शुक्रिया।